द्वितीय विश्व युद्ध का अंत चीन में एक पुराने युद्ध का नया आरंभ था। 1927 से नेशनलिस्ट पार्टी क्वामिनतांग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच गृह युद्ध चल रहा था, जो कि 1937 में जापानी आक्रमण के कारण अस्थायी रूप से स्थगित हो गया। जापानी सेना का आगमन कम्युनिस्ट के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं था। जब नेशनलिस्ट का नेतृत्व कर रहे चांग काई शेक कम्युनिस्ट को जड़ से समाप्त करने के बहुत ही समीप थे, तब जापान ने इस गृह युद्ध से ग्रसित देश पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का सुनहरा अवसर समझकर हमला कर दिया। राष्ट्रीय चेतना का परिचय देते हुए कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग ने चांग काई शेक के सामने जापान के विरुद्ध एक होकर लड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे चांग ने ठुकरा दिया। किंतु यह बात नेशनलिस्ट पार्टी के अन्य सेना नायकों को पसंद नहीं आई, अतः उन्होंने चांग पर दबाव बनाया और कम्युनिस्ट से संधि करने पर विवश कर दिया। संभवतः चांग ये समझ गया था कि माओ का यह संधि प्रस्ताव किसी राष्ट्रप्रेम की भावना से नहीं आया है, अपितु यह केवल उसके अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास है। माओ का मानना था कि शत्रु को समाप्त करने से पहले स्वयं की रक्षा आवश्यक है, अतः उसके लिए आवश्यक था कि नेशनलिस्ट से चल रहा युद्ध कुछ समय के लिए रुक जाए ताकि वो कम्युनिस्ट पार्टी की संख्या बढ़ा सके। जापान लगातार आगे बढ़ रहा था, नेशनलिस्ट ने अपनी पूरी ताकत उसे रोकने में लगा दी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध का जापान शक्ति और सामर्थ्य में उससे कई आगे था। जापान ने चीन के मुख्य शहरों और प्रशासनिक केंद्रों पर भीषण हमला किया। इन जगहों पर नेशनलिस्ट का आधिपत्य था, वहीं कम्युनिस्ट का भीतरी प्रांतों में दबदबा था, जिसके कारण वह जापानी हमले के दुष्परिणाम से काफी हद तक बचे रहे। नेशनलिस्ट को युद्ध में जितनी क्षति पहुंचती, कम्युनिस्ट उतना ही उनके नेताओं के विरुद्ध प्रचार करके अपनी ओर लोगों को आकर्षित करते। कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत चालाकी से चीन की दुर्दशा के लिए नेशनलिस्ट के नेतृत्व को उत्तरदायी घोषित कर दिया और अपने संगठन का संख्या बल 14 गुना बढ़ा लिया। हालांकि विश्व युद्ध के अंत होने पर कम्युनिस्ट के पास जहां 10 लाख की सेना थी, वहीं नेशनलिस्ट के पास इसके 3 गुना यानी 30 लाख सैनिक थे। इस संख्या बल के आधार पर माओ ने अपनी रणनीति बदली। अब उसके पास इतने लोग थे कि वह युद्ध में होने वाली क्षति के विषय में ना सोचते हुए आक्रामक होकर हमला कर सके। कम्युनिस्ट ने नेशनलिस्ट बेसिस की घेराबंदी शुरू कर दी, ठीक वैसे ही जैसा एक दशक पहले नेशनलिस्ट ने कम्युनिस्ट क्षेत्रों की घेराबंदी की थी। नेशनलिस्ट जनरल्स जो जापानी सेना के विरुद्ध 8 वर्षों के निरंतर युद्ध से थक चुके थे, उनमें कम्युनिस्ट आर्मी का सामना करने का मनोबल नहीं बचा था। दूसरी ओर कम्युनिस्ट स्थानीय लोगों को लगातार माओ के क्रांति से जन्म लेने वाली पूंजीपतियों और जमींदारों से मुक्त सर्व समानता के भविष्य का सपना दिखाकर अपने साथ जोड़ रहे थे। लाखों की संख्या में दोनों पक्ष के लोग प्रतिदिन मारे जा रहे थे, पर जहां कम्युनिस्ट के साथ एक के बाद एक नए सदस्य जुड़ते गए, वहीं नेशनलिस्ट के बड़े बड़े अधिकारी स्वेच्छा से समर्पण करने लगे। माओ ने बिना किसी सैन्य अनुभव के सेनाधिपति चांग को परास्त कर दिया। माओ की जीत को 3 मुख्य नीति से समझाया जाए तो कुछ इस प्रकार है। पहला, 1930 में कम्युनिस्ट के नेतृत्व को बचाने के लिए अधिकतर सैनिकों और कार्यकर्ताओं का बलिदान देकर सुरक्षित प्रांत तक पहुंचना और अवसरवादिता का परिचय देते हुए शत्रुओं से समझौता करना। दूसरा, जापान के द्वारा निरंतर चीनी नागरिकों का नरसंहार होने पर भी अपनी मुख्य सेना को जापान के विरुद्ध ना भेजकर विश्व युद्ध के बाद नेशनलिस्ट का सामना करने के लिए बचाए रखना। और तीसरा, प्रोपेगेंडा और नकारात्मक प्रचार करके नेशनलिस्ट के प्रति लोगों में घृणा उत्पन्न करना। 1 अक्टूबर 1949 को आधिकारिक रूप से माओ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करके पूरे चीन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और यहां से आरंभ हुआ कम्युनिस्ट चाइना का नवीन अध्याय।